हेलो बच्चों बच्चों, आज हम क्लास 8 इंग्लिश है ना की बुक है हनी ड्यू, इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर है बेटा द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार के अंदर सबसे बेस्ट क्रिसमस का गिफ्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार के अंदर क्रिसमस का सबसे अच्छा जो उपहार है, गिफ्ट है वो। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें क्या है बेटा, एक मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे देता हूँ इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं है ना, जिनका नाम है माइकल मोरपुर्गो, है ना। ये रहा देखो बेटा माइकल, ये रहा इनका है ना माइकल मोरपुर्गो। तो ये क्या है बच्चों, एक दुकान में जाते हैं, पुराना पुराना फर्नीचर जहाँ मिलता है ना, एक पुराना फर्नीचर मिलने वाली दुकान में ये जाते हैं और उनको इनको एक टेबल की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, तो वहाँ से ये एक टेबल लाते हैं। ठीक है ना, उस टेबल की बड़ी खस्ता हालत होती है, उस टेबल की एक दराज होती है, दराज को बड़ी मुश्किल से खोलने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर उनको एक लेटर मिलता है ना, एक पत्र मिलता है जो एक महिला है, इसके अंदर एक महिला पात्र हैं जिनका नाम है कोनी, है ना, कोनी उनका नाम है। ठीक है ना, इंग्लैंड की रहने वाली हैं वो। तो उनके पति ने, उनके पति सेना में सर्विस करते थे, किस में जॉब करते थे बेटा, सेना यानी आर्मी में जॉब करते थे। तो ये जो बात है बेटा, ये उस ज़माने की है ना, 1914-15 है ना, जब क्या हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उस समय का ये उस समय की घटना है। तो जो कोनी है इनका, उनके जो पति हैं वो सेना में थे, तो वो वहाँ गए हुए थे है ना, युद्ध युद्ध के अंदर सीमा पे गए हुए थे। ठीक है, तो वहाँ से वो उसको चिट्ठी लिखते हैं, वो उसको पत्र लिखते हैं अपनी पत्नी कोनी को। तो कोनी जो है उसको बहुत संभाल के रखती है। ठीक है, तो मैंने बस हल्का सा मोटा सा आइडिया दे दिया आपको, और जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और इसमें बेटा बहुत ही प्यारी कहानी मान लो, इसको इंग्लिश में हम प्रोज बोलते हैं है ना, गद्य बोल दो, ये इस तरह का एक लेख है ना, बहुत ही प्यारा है। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। देखो तो हर चैप्टर में ये होता है बेटा, बिफोर यू रीड है ना, जब पढ़ना शुरू करने से पहले, बिफोर यू रीड, पढ़ना शुरू करने से पहले, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है ना। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है, संसार की भाषा में, हिस्ट्री संसार के इतिहास में, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। ठीक है ना, तो कुछ डेट्स हैं और कुछ समय के काल हैं, देयर आर सम डेट्स और चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ चला, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। संसार के इतिहास में कुछ डेट्स हैं और कुछ समय के काल हैं, देट आर सो सिग्निफिकेंट, कि वो इतने महत्वपूर्ण हैं, वे इतने महत्वपूर्ण हैं, दैट कि एवरी वन नोज, कि हर व्यक्ति जानता है ना, हर व्यक्ति जानता है, एंड रिमेंबर्स देम, और उन्हें उसे वो याद हैं। ठीक है ना, तो संसार के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी हैं, कुछ समय का काल ऐसा है जो इतना महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण है, जिन्हें कि हर व्यक्ति जानता है और याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड, ये कहानी जिसे कि आप पढ़ोगे, मेंशंस वर्णन करती है वन सच डेट एंड इवेंट, इस प्रकार की, इसी प्रकार की एक तारीख की और एक घटना है ना का ये स्टोरी जो है वो क्या करती है, वर्णन करती है। और क्या है वो घटना और वो तारीख, ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914, 1914 में एक युद्ध हुआ था है ना। तो 1914 क्या हो गया, समय हो गया, डेट हो गई एक तरह से ये है ना, और इवेंट क्या हो गई, वर्ल्ड वार हो गया। ठीक है ना, किस किस के बीच, बिटवीन यानी के मध्य, ब्रिटिश उसको बोलते हैं बेटा, जो अंग्रेज होते हैं, जो इंग्लैंड के रहने वाले, ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले
एंड द जर्मन्स, जर्मन्स का मतलब क्या होता है, जर्मनी के रहने वाले, जर्मनी भी एक देश है और इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन जो है ना, ग्रेट ब्रिटेन भी क्या है, एक देश, इसको यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। तो उनके मध्य जो युद्ध हुआ था 1914 में, उस समय की ये कहानी है। कैन यू गैस विच वॉर इट वाज, क्या आप गैस कर सकते हो, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि यह कौन था, कौन सा युद्ध था? यस, मैंने बताया ना आपको, ये कौन सा युद्ध था, ये प्रथम विश्व युद्ध था। कौन सा विश्व युद्ध था, ये प्रथम विश्व युद्ध था, ठीक है ना। इसके बाद है, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू, क्या आप जानते हो कि डेट्स बिलो, कि नीचे जो डेट्स दे रखी हैं है ना, उनके साथ कौन सी इवेंट्स, इवेंट यानी घटनाएं, रेफर टू जुड़ी हुई हैं, है ना, यानी ये जो डेट्स हैं ये किस घटना से संबंधित हैं, ठीक है ना। आई समझ बात, ये जो नीचे डेट लिखी हुई है ये किस घटना से संबंधित हैं, है ना। तो जैसे ये डेट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके पेज नंबर 23 पे आंसर्स दिए हुए, तो वो आप बेटा देख लेना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, है ना। तो इसके देखो तीन पार्ट हैं, इस स्टोरी के कितने पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं। तो इसके हम कोशिश करेंगे तीन वीडियो में इसको फिनिश करेंगे, तो अभी हम फर्स्ट वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। तो लेखक जो हैं माइकल मोरपुर्गो, वो कह रहे हैं, आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, मैंने इसे देखा। स्पॉट का मतलब क्या होता है, मुझे ये नज़र आई, मुझे ये दिखी। तो मैंने बताया टेबल की बात हो रही है, ये एक टेबल थी, मुझे ये टेबल दिखी, है ना, ये मुझे दिखी, मिली, मेरी नज़र पड़ी इसके ऊपर, इन ए जंक शॉप, एक पुरानी सामान बेचने वाली दुकान में। जंक शॉप का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक ऐसी दुकान जिसमें पुराना सामान बेचा, और जैसे तुमने सुना होगा ना, पुरानी किताबों की दुकान होती है जहाँ पुरानी किताब बेची और ख़रीदी जाती हैं। तो ऐसे ही बेटा, जो अपने देश का तो पता नहीं, खैर यहाँ शायद होते या नहीं होते, बाकी विदेशों में इस तरह की दुकानें होती होंगी जहाँ पर पुराना सामान खरीदा और बेचा जाता होगा। तो आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप, मैंने इसे एक पुराने सामान को बेचने खरीदने वाली दुकान के अंदर देखा, इन ब्रिडपोर्ट। अब देखो ब्रिडपोर्ट का बी बड़ा रहा है, इसका मतलब ये जगह का नाम है। ब्रिडपोर्ट किसका नाम है, जगह का नाम है। ए रोल टॉप डेस्क, डेस्क तो पता ही आपको, टेबल जो होती है ना, और रोल टॉप, रोल टॉप का मतलब होता है कि उसका जो टॉप होता है, उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है ना टेबल का, वो रोल हो जाता था। रोल का मतलब उसको आप लपेट सकते थे, फोल्डेबल होता था वो। कैसा होता था बेटा, फोल्डेबल होता था, फोल्ड हो जाता था वो, है ना। तो रोल टॉप डेस्क, तो ये जो रोल टॉप डेस्क है, ये मुझे ब्रिडपोर्ट के एक जंक शॉप के अंदर नज़र पड़ी। द मैन सेड इट, द मैन सेड, तो वो जो व्यक्ति था दुकानदार, उसने कहा, इट वॉज अर्ली 19th century, कि ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत की है। कब की है ये, ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत की है। एंड ओक, है ना, और ये ओक की बनी हुई है, है ना। ओक एक वृक्ष होता है बेटा, है ना, जिसको बलूत बोलते हैं, है ना, विदेशों में ज़्यादा मिलता है ये, है ना। जैसे अपने ऐसे समझ लो, अपने से सीसम का वृक्ष होता है, कुछ ऐसा ही होता है ये, है ना, ओक का वृक्ष, ठीक है ना। तो और ये उस व्यक्ति ने क्या कहा लेखक से, कि ये ओक की बनी हुई है, ये 19वीं शताब्दी की है और ओक की बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए थी, है ना, लेखक को चाहिए थी तभी तो वहाँ गया था खरीदने। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन और जो देखी थी उसने, वो सब कैसी थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, बहुत महंगी, और टू यानी बहुत ज़्यादा। तो और जो अब तक लेखक ने नई जो देखी होंगी वो कैसी थी, बहुत महंगी थी। लेखक के पास पैसे कम होंगे, तो इसलिए वो किस दुकान पर चला गया था, वो पुरानी सामान वाली दुकान पर चला गया था। दिस वॉज वन इन ए बैड कंडीशन, ये वाली जो थी, है ना, ये कैसी स्थिति में थी, बैड स्थिति में थी, है ना, बुरी स्थिति में थी ये, है ना, बेकार हो रखी थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, है ना, जो उसका रोल टॉप था, जो उसका सिमटने वाला जो टॉप था, जो फोल्ड होने वाला टॉप था, वो कई टुकड़े हो चुके थे उसके। वन लेग क्लमजीली मेंडेड, उसकी एक जो टांग थी, चार टांग होती है ना टेबल की, उसकी एक टांग बड़ी बेकार तरीके से मरम्मत की गई थी उसकी, है ना। इसका मतलब एक टांग टूटी हुई थी उसकी, और वो जो टूटने के बाद जो ठीक करी है, तो वो ढंग से ठीक नहीं करी, है ना, बड़े ऊट पटांग जैसे तरीके से वो ठीक कर रखी थी।
स्कॉर्च मार्क्स, स्कॉर्च मार्क्स का मतलब उसमें जले के निशान थे, है ना, जल जाती है ना कोई आग से, कोई इस तरह के जले के निशान थे। ऑल डाउन वन साइड, है ना, एक तरफ, है ना, एक तरफ नीचे की ओर उस पर कैसे निशान थे, जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, है ना, ये मुझे बहुत कम, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। देखो बेटा यहाँ ये साइड में मीनिंग्स दे रखे हैं, तो ये साइड में देख रहे हैं ना बेटा आपको, तो ये रहे, है ना, स्पॉटेड इट, स्पॉटेड का मतलब सॉ इट, देखा, फाउंड इट, पाया, स्कॉर्च मार्क्स मतलब बर्न मार्क्स, है ना, जले के निशान, ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो इसमें से, ठीक है। तो फिर इसके बाद था वाज गोइंग फॉर, वाज सेलिंग फॉर, है ना, तो ये बिकने जा रही थी। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, है ना, ये बहुत कम पैसे में, वेरी लिटिल मनी बहुत कम पैसे में बिकने जा रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रेस्टोर इट, कि मैं इसे मरम्मत कर लूँगा। रेस्टोर का मतलब क्या होता है, इसे दोबारा से ठीक कर लूँगा, मैं इसकी मरम्मत कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट, ये एक रिस्क भी है इसको ले जाना, एक मेरे लिए चैलेंज है, लेकिन मैं, कोई बात नहीं, मैं इस चैलेंज को, इस रिस्क को झेलूँगा और मैं इसे ठीक कर लूँगा। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये रिस्क उठानी ही पड़ेगी, मुझे ये चैलेंज लेना ही पड़ेगा। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को उसका जो अमाउंट था वो पे कर दिया, दे दिया उसको, भुगतान कर दिया। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, है ना, और मैं इसे वापस ले आया अपने वर्क रूम में, काम करने के रूम में मैं अपने में ले आया, कुछ बनाता होगा कुछ लेखक ये जो था, है ना, पीछे के गैराज में, है ना, पीछे के गैराज में जो वर्क रूम था लेखक का, वहाँ उसको वो ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, ई वी ई ईव, ईव का मतलब होता है बेटा जैसे दीपावली आने वाली होती है, जैसे दीपावली आने में माना एक दो दिन ही बचे हैं, तो वो जो समय होता है या जो उसको कहते हैं ईव कहते हैं, मौका, है ना, समय, तो क्रिसमस के टाइम पर। तो आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने, या पूर्व संध्या बोल दो, है ना, जैसे कल दीपावली है और आज का जो दिन है, है ना, वो क्या है होता है, दीपावली ईव हो गई वो, ठीक है ना, तो ऐसे जैसे कल क्रिसमस है और आज का दिन जो है वो क्या कहलाता है, क्रिसमस ईव कहलाता है, ऐसे समझ लो आप इसको, ठीक है ना। तो मैंने क्रिसमस से एक दिन पहले उस पर काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने उसका जो रोल टॉप था, है ना, रोल टॉप मतलब फोल्ड होने वाला जो उसका ऊपरी हिस्सा था, ठीक है ना, बट टेबल में क्या होता है बेटा, चार तो टांग होती हैं और उसके ऊपर एक जो प्लाई सी लगी रहती है ना, तो वो जो प्लाई सी थी वो टुकड़ों की थी, ऐसे जैसे लकड़ी के टुकड़े से होते हैं रोल टॉप, है ना, तो वो उसने क्या कर दी, लेखक ने हटा दी, है ना। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने उसकी जो रोल टॉप को पूरी तरह से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉअर्स, और मैंने उसकी जो ड्रॉअर्स थी, दराजें थी, उनको खींचा, दराजों को क्या किया लेखक ने, खींचा। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, है ना, वनीर, वनीर का मतलब होता है बेटा, जैसे तुमने देखा होगा कि जो टेबल का जो ऊपरी का हिस्सा होता है ना, तो नीचे तो क्या होती है, प्लाई होती है ना, वैसी खुरदुरी प्लाई होती है, और उसके ऊपर एक चिकनी सी वो चिपका देते हैं ना, है ना, चिकनी सी जो टॉप होता है टेबल टॉप, उसको क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं, तो जिससे क्या है, वो चिकनी हो जाती है, ठीक है ना, अलग से वो एक पतली फिल्म लगा देते हैं ना, उसके ऊपर लगा देते हैं, है ना, और उसको, उससे फेविकॉल वगैरह से क्या करते हैं, जो कारीगर होते हैं वो चिपका देते हैं, ठीक है ना, तो उस, समझ रहे हो ना आप लोग, तो यानी नीचे तो क्या होती है, प्लाई होती है, वो तो वैसी होती है बिल्कुल सिंपल खुरदुरी जो होती है वो होती है, और उसके ऊपर उसको चमकना या थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, एक अलग से जो है ना उस पर लेयर चिपका देते हैं, तो उसको वनीर बोलते हैं ना। तो उसकी जो ऊपर की जो फिल्म थी, हेड लिफ्टेड, वो उखड़ चुकी थी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर इस जगह से वो क्या हो चुकी थी, उखड़ चुकी थी। इट लुक्ड लाइक, है ना, ये ऐसा दिख रहा था, इट लुक्ड लाइक, ऐसा प्रतीत हो रहा था, वाटर डैमेज टू मी, है ना, कि ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसको
किसने डैमेज किया है, पानी ने डैमेज किया है, है ना। जैसे पानी के अंदर कोई चीज़ पानी गिर रहा हो किसी लकड़ी के ऊपर लगातार, तो फिर वो लकड़ी क्या हो जाती है, धीरे धीरे ख़राब हो जाती है, नहीं ख़राब हो जाती है, और उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो क्या होता है, उतर जाता है। तो मुझे लिखा कह रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका नुकसान किसने पहुँचाया है, उसको टेबल के टॉप को, पानी ने नुकसान पहुँचाया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। दोनों ही क्योंकि एक तरफ तो स्कॉर्च हो रखी थी ना, वो आग से झुलस रही थी, तो दोनों आग ने और पानी ने क्लियरली स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, कि इस डेस्क को उन्होंने क्या किया है, नुकसान पहुँचाया है। टेकन देयर टॉल का मतलब क्या होता है, डैमेज किया है, है ना, इसको नुकसान किया है। किस किस ने, अग्नि ने, आग ने और पानी ने, दोनों ने ही इसको नुकसान पहुंचाया है। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, है ना। जैसे देखा हो तो ना, तीन ड्रॉवर होती हैं, तीन दराज होती हैं, ठीक है ना। तो जो लास्ट ड्रॉवर थी, नीचे नीचे की जो ड्रॉवर थी, जैसे देखो इस चित्र में दिखा रखा ना, ये देखो बेटा इस चित्र में दिखा रखा ना, तो ये देखो ऊपर की ड्रॉवर हो गई, ये नीचे की ड्रॉवर हो गई, ये तीसरी ड्रॉवर हो गई। तो देखो ये तो चित्र है, बाकी उसकी स्थिति क्या थी, बहुत गड़बड़ थी। जो लेखक लेके आया था उसकी स्थिति क्या थी, अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, स्टक फास्ट का मतलब बहुत ज़्यादा टाइट उसमें फंसी हुई थी, है ना। तो जो अंतिम ड्रॉवर थी वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड, मैंने कोशिश की जितना मैं कर सकता था, टू ईज इट आउट जेंटली, कि मैं इसको बाहर निकाल लूँ आसानी से, मैंने आसानी से उसको बाहर निकालने की कोशिश की जितना कि मैं कर सकता था। इन द एंड, लेकिन वो नहीं निकली, तो इसलिए अंत में आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ताकत उसके ऊपर, है ना, बहुत ज़्यादा शक्ति ताकत के रूप में उसके ऊपर लगाई। आई स्ट्रक इट, मैंने उसे धक्का मारा शार्पली, है ना, मैंने उसे चोट लगाई तेजी से, शार्पली, है ना, बहुत तेजी से, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, जैसे हाथ की मुट्ठी होती है ना, तो हाथ की मुट्ठी की साइड से मैंने मुक्का मारा उसमें, ऐसे समझ लो आप, है ना, मुक्का मारा। एंड द ड्रॉवर, और जो वो जो ड्रॉवर थी वो फ्लू ओपन, खुल गई, है ना, वो ड्रॉवर क्या हो गई, फ्लू ओपन का मतलब खुल गई। टू रिवील, और उसमें से प्रकट हुआ, रिवील का मतलब क्या होता है, प्रकट होना, और उसमें से प्रकट हुआ। टू रिवील, और उसमें से प्रकट हुआ ए सैलो, एक कम गहरा, सैलो का मतलब क्या होता है, कम गहरा, उथला, स्पेस, अंडरनीथ, उसके नीचे, है ना, उसके अंडरनीथ का मतलब क्या होता है, उसके नीचे एक कम गहरा एक स्थान प्रकट हुआ। ए सीक्रेट ड्रॉवर, जो कि क्या थी, एक गुप्त ड्रॉवर थी, यानी उस ड्रॉवर के अंदर भी एक गुप्त ड्रॉवर थी। देयर वाज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ चीज वहां रखी हुई थी। आई रीच्ड इन, मैंने, मेरा हाथ वहां पहुंच गया। एंड टुक आउट, है ना, और उसे निकाल लिया। ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक छोटा काला, है ना, टिन बॉक्स, टिन का मतलब क्या होता है, चद्दर होती है ना टिन की, है ना, जैसे लोहे की जैसी होती है, है ना, लोहे जैसा ही पदार्थ होता है, टिन के बक्से होते हैं ना, टिन जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो टिन के, ये धातु होती है बेटा टिन, है ना, तो ब्लैक टिन बॉक्स मैंने उसमें से बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, टिन बॉक्स। सेलो टेप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, ठीक है ना, तो सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, है ना, तो वो जो बॉक्स था, जो टिन का बॉक्स था, ठीक है ना, वो जो टिन का बॉक्स था, ठीक है ना, उसमें उसके ऊपर ही ऊपर टॉप पर, ठीक है ना, सेलो टेप से चिपका हुआ था वाज ए पीस ऑफ, एक टुकड़ा लाइंड नोट पेपर, जैसे नोट पेपर का मतलब क्या होता है, पेपर का टुकड़ा, जैसे नोटबुक होती है ना आपकी, कॉपी जो होती है उसमें से एक पेपर का टुकड़ा ले लिया, जिसमें कैसी कैसी कॉपी, लाइनदार कॉपी, है ना, तो लाइनदार कॉपी का एक कागज़ का टुकड़ा उस जो टिन का बॉक्स था,
उसके ऊपर, उसके टॉप के ऊपर सेलो टेप से चिपका हुआ। जैसे तुमने देखा हो ना, तुम कोई गिफ्ट बनाते हो किसी के लिए, है ना, तो गिफ्ट पैक करते हो तो उसके ऊपर क्या करते हो, एक वो नाम का और पते की पर्ची सी चिपका देते हो और उसको सेलो टेप से चिपका देते हो, तो वो चिपक जाती है ना उसके ऊपर। इसी तरह से तो पहले तो वो बॉक्स था, बॉक्स की जो टॉप था ऊपरी हिस्सा, उस पर सेलो टेप के द्वारा एक लाइनदार नोटपेपर का टुकड़ा चिपका हुआ था। एंड रिटेन ऑन इट, और उसके ऊपर लिखा हुआ था इन शेकी हैंड राइटिंग, एक शेकी हैंड, शेकी का मतलब जैसे हिलती हुई, एक तो होता है बिल्कुल साफ सुथरी, और शेकी का मतलब जैसे तुमने देखा हो बेटा कई बार कई लोग जो होते हैं ना उनकी लिखते समय उनका हाथ कांपता है, तो उसको शेक, शेक यानी क्या होता है हिलना, है ना, तो शेकी हैंड राइटिंग है ना, जैसे हिलती हुई हैंड राइटिंग से उसके ऊपर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर। क्या लिखा हुआ था बच्चों उसके ऊपर? जिम का आखिरी पत्र, रिसीव्ड, जो कि प्राप्त हुआ था जनवरी 25, 1915, कब प्राप्त हुआ था? 25 जनवरी 1915 को, है ना, ये चीज़ लिखी हुई थी उसके ऊपर यहाँ से लेके, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। और क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर? टू बी बरीड, है ना, टू बी बरीड विद मी, यानी इसे मेरे साथ ही बरी, बी यू आर बाई, बरी का मतलब होता है बेटा दफनाना, है ना, जैसे अपने तो हिंदुओं में तो क्या करते हैं, जलाते हैं, है ना, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो जलाते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं बेटा उनके अंदर क्या करते हैं, दफन करते हैं, ठीक है ना, आई ना बात समझ में, और ऐसे ही जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके अंदर भी क्या करते हैं, दफन करते हैं, ठीक है ना, तो टू बी बरीड, इसे दफना दिया जाए विद मी, मेरे साथ, वेन, जब द टाइम कम्स, जब समय आए, यानी जब समय आए तब मेरे साथ ही इसे क्या कर दिया जाए, दफना दिया जाए। ये लाइन उसके ऊपर लिखी हुई थी उस बॉक्स के ऊपर, एक कागज़ के, कागज़ पर, है ना, और वो कागज़ एक सेलो टेप से चिपका हुआ था, यानी वो दिखाई दे रहा था उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सेलो टेप जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है ना, कैसा होता है वो, ट्रांसपेरेंट होता है ना, ठीक है, तो ये चीज़ इसमें लिखी हुई थी, ठीक है, यानी मेरे साथ ही इसको क्या कर दिया जाए, दफना दिया जाए, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए तो मेरे साथ ही इसको क्या कर दिया जाए, दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, है ना, अब देखो बेटा लेखक ने जब इसको खोला, है ना, तो लेखक को थोड़ा सा ग्लानी हो रही है कि यार देखो किसी की पर्सनल चीज़ और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, है ना, तो जैसे कई बार कोई पर्सनल चीज़ होती है तो हमको उससे ग्लानी सी होती नहीं होती है, ठीक है ना, तो लेखक को क्या लग रहा है ना, आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, जब मैंने वो किया, है ना, उसने उसको निकाला, उसको, है ना, देखने की कोशिश की, तो उस लेखक कह रहा है कि मुझे पता था और मैं जानता था दैट कि इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, टू ओपन द बॉक्स, कि मैं इस बॉक्स को खोल के क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, बट क्यूरियोसिटी, लेकिन उत्सुकता, क्यूरियोसिटी किसको बोलते हैं, उत्सुकता, है ना, जैसे होते हैं ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हमारे अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, उत्सुकता का मतलब समझते हो, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, हाँ देखूँ फटाफट इसमें क्या है, खोल के इसको, ठीक है ना, तो आई न्यू दैट आई डिड इट, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट लेकिन क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, है ना, तो स्क्रूपल्स का मतलब क्या है, कि किसी काम को करने से झिझकना, है ना, स्क्रूपल्स, SCRUPLES, स्क्रूपल्स का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने से झिझकना, है ना, तो जैसे हम सोचते हैं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो एकदम झिझक हो जाती, नहीं हो जाती हमको, उसको स्क्रूपल्स बोलते हैं, लेकिन उस झिझक पे कौन भारी पड़ रही थी, लेखक की क्यूरियोसिटी भारी पड़ रही थी, यानी उसके वो झिझक भी हो रही है लेकिन उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी है, है ना, उसके अंदर उत्सुकता भी है उसको खोल कर देखने की, है ना, तो यही कहना चाह रहा है, बट द क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, अर्थात क्यूरियोसिटी ने मेरी जो झिझक थी उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, है ना, और इट यूजुअली डज, जैसा कि अक्सर होता है, इट यूजली डज का मतलब क्या होता है, जैसा कि अक्सर होता है, यानी हम झिझकते तो हैं लेकिन हमारी जो उत्सुकता होती है वो हमेशा जीतती है और हम उस काम को कर ही डालते हैं, ठीक है ना, जैसे आपको कहीं कोई चीज़ पड़ी हुई मिली, ठीक है ना, अब आपने वो उठा ली,
ठीक है। तो अब उसके अंदर क्या है, एक बार तो हमको ऐसा लगता है यार हम खोलें कि नहीं खोलें, इसको पता नहीं किसका है क्या है, लेकिन उत्सुकतावश हम उसको क्या कर लेते हैं, खोल ही लेते हैं, है ना। तो यही लेखक कहना चाह रहा है, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स। गॉट द बेटर ऑफ का मतलब क्या होता है, विजय प्राप्त कर लेना, है ना। लेकिन मेरी उत्सुकता ने मेरी जो स्क्रूपल्स थी, मेरी जो झिझक थी, है ना, उसके पे विजय प्राप्त कर ली। इट यूजुअली डज, जैसा कि अक्सर होता है, जैसा कि ये अक्सर करती है। इनसाइड द बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर, इनसाइड द बॉक्स यानी उस बॉक्स के अंदर, इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर देयर वाज एन एनवलप, ई एन वी ई एल ओ पी, एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था, द एड्रेस रीड, और उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। लिफाफे के ऊपर क्या लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, मिसेज जिम मैकफर्सन, श्रीमती जिम मैकफर्सन लिखा हुआ था। तो पाने वाले का नाम लिखा रहता है ना ऊपर ही ऊपर, क्या लिखा रहता है, जिसका वो, जिसको कि पत्र जाके मिलना है, वो उस व्यक्ति का नाम लिखा रहता है। तो किसका नाम लिखा हुआ था, श्रीमती जिम मैकफर्सन। 12 कॉपर बीचेस, है ना, ये जगह का नाम है बेटा, देखो सी बड़ा है और बीचेस का बी बड़ा है, बार है, कॉपर बीचेस, जैसे तुम्हारा शेखावत नगर झालाना डूंगरी, तो शेखावत नगर का एस बड़ा आएगा, नगर का एन बड़ा आएगा, और झालाना डूंगरी का जे और डी बड़ा आएगा, समझ गया ना। तो ऐसे ही ये एड्रेस हो गया, तो 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट और डॉरसेट, है ना। तो ये देखो ब्रिडपोर्ट का बी बड़ा है और डॉरसेट का डी बड़ा है, ठीक है ना। तो ये एड्रेस उसके ऊपर लिखा हुआ था, यानी वो जो पत्र था वो इनका था, किनका था, मिसेज जिम मैकफर्सन का था, श्रीमती जिम मैकफर्सन का था वो पत्र, जो कि कहाँ पर रही हुई थी, कभी 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉरसेट में रही हुई थी। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस पत्र को बाहर निकाल लिया। आई टुक आउट द लेटर, उसने पत्र को लिफाफे में से क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, एंड अनफोल्डेड इट, और उसको खोल लिया। फोल्ड का मतलब होता है समेट देना, और अनफोल्ड का मतलब क्या होता है, खोल देना। और लेखक ने, ठीक है ना, उसको क्या कर दिया, खोल दिया, उस लेटर को खोल लिया। इट वाज रिटन, यह लिखा हुआ था, इट वाज रिटन, यह लिखा हुआ था, इन पेंसिल, किससे लिखा हुआ था, पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड द टॉप, और उसके ऊपर एक तारीख डली हुई थी, और वो तारीख क्या थी, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914 की तारीख उस पर डली हुई थी, ठीक है ना। आप देखो बेटा ये कॉम्प्रीहेंशन चेक है ना, यानी आपके कुछ समझ में आया या नहीं आया, ये उसके लिए चेक है ना, उसकी जांच है। तो अगर आपने ध्यान से ये चीज़ सुनी होगी, है ना, तो आपको ये इनके आंसर पता होगा, है ना। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर फाइंड ए जंक शॉप, है ना, वॉट डिड द ऑथर फाइंड ए जंक शॉप, है ना। वॉट यानी क्या, ऑथर को, लेखक को फाइंड यानी मिली इन ए जंक शॉप, जंक शॉप के अंदर, तो लेखक को जंक शॉप के अंदर क्या मिली, है ना, तो क्या थी बताओ, एक टेबल मिली ना, है ना, डेस्क, है ना, रोल टॉप डेस्क मिली। क्या है इसका आंसर, रोल टॉप डेस्क। अगर तुम्हारे दिमाग में भी यही आया था, रोल टॉप डेस्क ही आया था, तो वेरी गुड, है ना। और अगर ये वाला नहीं आया था तुम्हारे दिमाग में, तो बेटा और शांति से, है ना, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आनंद लेके इसको सुनने की कोशिश किया करो आप लोग, ठीक है बच्चों। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट डिड ही फाइंड ए सीक्रेट ड्रॉवर, वॉट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर, है ना, उस गुप्त दराज में उसे क्या मिला, है ना। वॉट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, है ना। पहला तो प्रश्न, दो हिस्से हैं इसके, वॉट डिड ही फाइंड इट इन ए सीक्रेट ड्रॉवर, है ना, उस सीक्रेट ड्रॉवर में, है ना, उस गुप्त जो दराज थी उसमें क्या मिला लेखक को, क्या मिला बताओ, एक टिन का बॉक्स मिला, एक ब्लैक काले रंग का टिन का बॉक्स मिला, जिसके ऊपर सेलो टेप से एक पेपर पे क्या लिखा हुआ था, कुछ लाइनें लिखी हुई थी, ठीक है ना, वो चीज़ मिला उसको। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, है ना, अब बताओ, हु डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, हैड
पुट इट इन देयर, कि ये किसने रखा होगा? हु डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? हैड पुट इट इन देयर, कि किस व्यक्ति ने उसे वहां रखा होगा? तो अब तुम बताओ किसने रखा होगा बेटा वो पत्र उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर किसने रखा होगा? तो बेटा जिसका पता लिखा हुआ है लिफाफे के ऊपर उसी ने रखा होगा, सीधी सी बात है। तो किसने रखा होगा बताओ? मिसेज जिम मैकफर्सन ने उसको रखा होगा, है ना। देखो ये दो प्रश्न थे, है ना। तो अब अगले वाले प्रश्न आपको आ जाने चाहिए, कि भाई ध्यान से पढ़ोगे तो इनके आंसर आपको आ जाएंगे। बेटा देखो हिंदी में समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जब तक हिंदी समझ में नहीं आएगी हमारे, तब तक इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, है ना। तो इसमें दो चीज़ें हैं बेटा महत्वपूर्ण, कि आप जो इसमें जो नए शब्द आए, वैसे मैंने आपको भेज ही दिए थे लिख के ये, है ना, उन शब्दों को आप नोट करो, है ना, और उनको याद करने की कोशिश करो, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बाकी के सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट थोड़े थोड़े बड़े हैं, है ना, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनको भी दो पार्ट में करने में, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये बेटा अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को भेजना, इस वीडियो को, जिससे वो भी देखें, ठीक है ना बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।